तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आपके लिए हमेशा हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और टूल से रिलेटेड वीडियो को लेकर के आता रहता हूँ, तो आज उसी से रिलेटेड मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आज मैं UEFI का एक अपडेट देने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वीडियो लेकर के आता रहता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो वैसे ही मैं आज आपके लिए एक MMC से रिलेटेड, UEFI से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है और बड़ी नहीं भी हो सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर UEFI का अपडेट आपको पता है तो बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स अगर आपको UEFI का अपडेट नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं यहाँ पे फुल डिटेल के साथ आपके बताने वाला हूँ कि आप कैसे UEFI का जो अपडेट है और क्या क्या अपडेट है, मैं सारा चीज़ यहाँ पे वीडियो को बताने वाला हूँ। और एक चीज़ और बताऊँगा फ्रेंड्स कि जैसे आप जिसका पुराना वर्जन होगा UEFI का वो अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आप जानते हैं सिंक्रोनाइज फाइल में जाकर के आप उसको अपडेट करते हैं, अपडेट नहीं हो रहा है, तो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिटेल करने वाला हूँ कि कैसे आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फंस रहे होंगे तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं MMC से रिलेटेड अब वीडियो आगे भी आपके लिए लेकर के आता रहूँगा, क्योंकि मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और टूल्स के वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, बट अब मैं MMC से रिलेटेड भी आपको वीडियो लूँगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम UEFI को खोल लेते हैं और UEFI का इंटरफेस आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो हम UEFI का इंटरफेस आपको अपडेट का बताएंगे कि UEFI के इंटरफेस में क्या अपडेट आया हुआ है। सबसे पहले हम उस अपडेट को जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे का आपको करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा UEFI का इंटरफेस खुल रहा है और इसे हम ओके कर देंगे और इसे हम थोड़ा साइड में ले आते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये यहाँ पे UEFI का इंटरफेस खुल चुका है पूरी तरीके से। इसे हम क्लोज़ कर देंगे। अब देखिए ये हमारा UEFI का इंटरफेस खुल चुका है यहाँ पे। ये हमारा जो वर्ज़न है मैं आपको बता दूँ, पहले 1818 चलता था, अब यहाँ पे 1963 ये इसका वर्ज़न अपडेट हो गया है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान सकते हैं। तो मैं आई होप जितनी हो सकती है उतनी डिटेल आपको कर सकता हूँ। तो आप वीडियो को एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा और एक एक स्टेप को आप देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला अपडेट तो ये था कि फ्रेंड्स ये टूल हमारा अपडेट हो चुका है 1.50 1963, ये इसका अपडेट वर्जन है। जो कि इसका डाउनग्रेड था वो 1818 था। और यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें क्या क्या नया आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सबसे पहला ही टैब आप देखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। पहले MMC जर्नल लिखा रहता था फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम आ गया। एक्चुअल में हम प्रोग्रामिंग ही करते हैं इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम आ चुका है यहाँ पे। और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ पहले MMC जर्नल लिखा रहता था, अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम का आइकन आ चुका है, प्रोग्राम लिखा हुआ है। बाकी सब वही है, यूज़र पार्ट, फैक्टरी सेट, सपोर्ट, ये आपको पता ही है। यहाँ पे आप प्रोग्राम में जाते हैं, जो भी टैब आप करते थे पहले यहाँ पे MMC जनरल लिखा रहता था फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो अब यहाँ पे एक अपडेट ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ूंगा और सारा स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और यहाँ पे अब मैं एक MMC को आइडेंटिफाई करूंगा और आइडेंटिफाई करके आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हमने एक VGA लगाया है, 221 VGA लगाया हुआ है यहाँ पे सॉकेट में। इस सॉकेट में 221 हमने लगाया हुआ है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद का अपडेट क्या है वो हम आपको बताते हैं, जो कि मेन अपडेट है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये UEFI के लिए अपडेट है, बट यहाँ पे जो हमारा इजी जेटेक था ये तीन चार चार महीने पहले ही उन्होंने ये अपडेट डाल दिया था, बट UEFI में मैं बात करना चाहता हूँ, ये अपडेट अब भी आया है UEFI वालों ने, UEFI की टीम मेम्बर ने ये डाला हुआ है अपडेट। बट ये अपडेट इजी जेटेक की बात करें तो तीन चार चार महीने पहले ये UEFI यूजर के लिए। अगर आपको पता है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक MMC हमने लगा दिया है, अब उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन खास अपडेट मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आप UEFI चलाते ही चलाते हैं सारी चीज़ें, पर यहाँ पे मैं यहाँ पे UEFI का आपको जो अपडेट है मैं वहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये बस ओपन ही हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, हम इसे ओके करेंगे। तो ये हमारा आइडेंटिफाई हो चुका है, बाकी मैं सारी चीज़ें बात नहीं करूँगा, जो इसमें अपडेट है वो बताना चाहूँगा। और आपको पूरी जानकारी चाहिए ये बीट क्या है, यहाँ पे रेड आइकन क्यों आ रहा है, ये 4 बीट क्या है, ये सारी चीज़ें को जानकारी अगर आपको चाहिए, तो प्रॉपर जानकारी चाहिए फ्रेंड, तो हमारा ऐसे टेलीकॉम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारे मिलन सर के द्वारा आपको बहुत ही परफेक्ट नॉलेज मिलने वाला है।
तो आप MMC को बिल्कुल ही ज्वाइन करें, जिसमें आपको डीपली नॉलेज मिलेगी यहाँ पे, और मैं आपको हेल्पफुल के लिए ऐसे ही MMC से रिलेटेड वीडियो भी लेकर के आता रहूँगा। तो इसलिए उसको आपको क्या करना होगा, हमारे स्मार्ट टेलीकॉम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे मैं नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो ये देख सकते हैं 4 बिट क्या है, यहाँ पे रेड आइकन आ रहा है। तो ये सारे बिटियों का नॉलेज ये आपको दी जाएगी MMC की क्लास में। तो जो इसमें मेन टॉपिक है मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको boot 1, boot 2 और RPMB, सबसे बड़ा अपडेट ये है RPMB का इन्फॉर्मेशन। अगर जिन यूज़र को नहीं पता था या पता है तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। अब एक चीज़ और RPMB से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, पहले हमारी जो साइज शो होती थी वो KB में होती थी, अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो साइज शो हो रही है वो हो रही है MB में शो हो रही है, मतलब 4 MB डायरेक्टली। नहीं तो पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता था कि वो कितने MB का साइज़ बना रहा है, बट अब पहले क्या था कि KB में आता था, अब यहाँ पे जो आ रहा है अपडेट आ रहा है आपका, वो आपका आ रहा है MB में आ रहा है। ये सारी चीज़ फ्रेंड्स हमारे इजी जेटेक में पहले ही आ चुका था। अब यहाँ पे जो है ये मैं आपको बताना चाहूँगा, UFI वालों ने अभी अपने अब टूल में इन्होंने अपडेट किया हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे और आपको जो सेकेंडरी अब बताना चाहूँगा RPMB के बारे में। तो RPMB फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा UFI में पहले नहीं आता था, अब यहाँ पे जो इनका टूल अपडेट हुआ है 1963, यहाँ पे आपको देखेंगे कि RPMB भी शो होने लगा है। आप RPMB को न राइट कर सकते हैं, न रीड कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, बस आप दो चीज़ पता कर सकते हैं कि जैसे RPMB एक हार्डवेयर ID होती है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल करना चाहूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो RPMB क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि RPMB एक CPU और MMC के बीच की कनेक्टिविटी होती है, कि अगर आप पेयर में लगाएंगे तभी वो काम करेगा, अगर उसमें हार्डवेयर ID है तब जाके आप, अगर हार्डवेयर ID होगा तो आप MMC चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर उसमें हार्डवेयर ID हुआ तो आप MMC चेंज नहीं कर सकते, अगर हार्डवेयर ID नहीं हुआ तो आप MMC को चेंज कर सकते हैं। वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने अपडेट के रूप में डाल दिया है, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोविजेंट यहाँ पे देख ले लिखा हुआ है, RPMB साइज लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोविजेंट यहाँ पे लिखा है काउंटर 4563, ये इसका काउंटर नंबर है फ्रेंड्स, मतलब जितना बड़ा काउंटर होगा उतनी हाई इसमें हार्डवेयर ID लगी हुई है। तो यहाँ पे प्रोविजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोविजेंट यहाँ पे मतलब ये हमारा फ्रेंड्स इसमें हार्डवेयर ID है। अब ये मैं एक और आपको MMC लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने एक MMC और रखा हुआ है फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे 221 यहाँ पे एक MMC और रखी हुई है, इसमें एक हार्डवेयर ID नहीं है। तो ये दोनों चीज़ मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे हार्डवेयर ID है हमारा यहाँ पे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मैं फुल डिटेल के साथ बता रहा हूँ। तो ये इसका अपडेट था फ्रेंड, जो कि बहुत अच्छा अपडेट है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बिना हार्डवेयर ID चेक किए हुए MMC को चेंज करते हैं तो फ़ोन आपका रिस्टार्ट पे हो जाएगा, इसीलिए फ़ोन आपका रिस्टार्ट पे हो जाता है। अब अगर यहाँ पे अगर आप MMC चेंज कर देते हैं तो आपका फ़ोन रिस्टार्ट पे हो जाएगा, क्योंकि इसमें हार्डवेयर ID है जो भी MMC लगी हुई है। तो चलिए मैं सेकंड से फटाक से इस MMC, ये तो बाकी चीज़ आपको पता ही है, ये प्रोग्रामिंग किसके लिए हुई है, 5A के लिए, सारी चीज़ डिटेल तो आपको पता ही है। तो चलिए ये अगर IOP इसके बारे में अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं दूसरी MMC को लगाता हूँ, उस MMC को निकाल देता हूँ, उसके बाद आइडेंटिफाई करके आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं दूसरी MMC को लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरी MMC को मैं लगा रहा हूँ, और जैसे ये हो जाता है तो मैं यहाँ पे अब मैंने लगा दिया है, अब इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई जैसे ही हो जाएगा फ्रेंड, उसके बाद आइडेंटिफाई होने के बाद आपको वही सारी इन्फॉर्मेशन फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगा, और वो इन्फॉर्मेशन आपको रिपीट करने के बाद सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने टेक्नीशियन भाइयों के साथ, जिससे मैं हेल्पफुल वीडियो आपको लेकर के आता रहूँ। तो चलिए मैं ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी beat 8 पे है, वहाँ पे आपने देखा था कि beat 4 पे था और रेड आइकन आ रहा था। ये सारी चीज़ को जानकारी चाहिए तो हमारे ऐसे टेलीकॉम आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको मोर बहुत सारा अपडेट यहाँ पे मिलने वाला है फ्रेंड। तो चलिए अब फिर से वही बात करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं boot 1, boot 2, और यहाँ पे RPMB हमारा MB में शो हो रहा है। तो ये एक इनका बहुत अच्छा अपडेट है, और यहाँ पे RPMB का पहले ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आता था, यहाँ पे आप देख सकते हैं RPMB यहाँ पे लिख रहा है नॉट ऑथोराइजेशन की नॉट एट प्रोग्राम, मतलब इसमें कोई भी हार्डवेयर ID नहीं है फ्रेंड्स। और इसके बारे में फुल डिटेल चाहिए कि कौन सी MMC में, कौन सी CPU में
कहाँ तक हार्डवेयर आईडी लगती है वो सारा ऐसे टेलीकॉम के साइड में या ऐसे टेलीकॉम आप आएंगे इंस्टीट्यूट तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा कि MSM ये तो क्वालकॉम का CPU है और यहाँ पे क्या होता है, इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये बूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बूट पार्टीशन क्या है, ये सारा चीज़ आपको डिटेल मिल जाएगी फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नॉट प्रोग्राम, मतलब यहाँ पे आप MMC को चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे आप MMC को चेंज कर सकते हैं और इसके लिए उसका प्रोसेस है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब मैं इसकी दूसरे अपडेट की बात करता हूँ, जो कि ये अपडेट बहुत अच्छा अपडेट था। अब मैं इसको कट करूँगा और एक बड़ा अपडेट यहाँ पे देना चाहूँगा मैं यहाँ पे फ्रेंड, इसका जो बड़ा अपडेट है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे ये अलग कर लिया है। अब यहाँ पे जो अपडेट है इसका UEFI की टीम की तरफ से अपडेट है कि इन्होंने UFS का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है फ्रेंड, UFS का सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है। मैं उसका भी इंटरफेस अभी आपको दिखाऊंगा और ये जैसे ही UFS की हार्डवेयर आ जाती है तो ये आप प्रॉपर वर्क करने लगेगा और मैं भी वीडियो बहुत जल्द डालूंगा। जैसे ही UFS का आएगा तो मैं फर्स्ट वीडियो भी मैं ही डालने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो चलिए मैं उसका इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं UFS टूल बॉक्स, ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं UFS टूल बॉक्स। मैं इसको रन कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ और इसके बारे में छोटी सी डिटेल दे देता हूँ। उसके बाद जब इसकी हार्डवेयर आ जाएगी तो आपको फाइनली हम आपको विद प्रैक्टिकल देंगे, ना कि बता करके फ्रेंड। तो इसलिए हमारे चैनल में आप जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जितना हो सके उतना अपने टेक्नीशियन भाइयों के साथ शेयर कीजिए। तो ये इंटरफेस मैं आपको विद प्रैक्टिकली सारी चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप मेरे UEFI के अपडेट से संतुष्ट होंगे, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करके फ्रेंड ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए इसे हम ओके कर देंगे और इसे हम ओके करने के बाद इसे क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे थोड़ा सा तो देखेंगे फ्रेंड ये हमारा UEFI का UFS टूल बॉक्स 1.501963 यहाँ पे आप देख सकते हैं UFS बॉक्स लॉन्च हो चुका है, जो कि ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट है, जो कि ये टूल खुला हुआ है। मैं आपको प्रॉपर आपको खोल के दिखा रहा हूँ फ्रेंड, जैसा भी ये इंटरफेस था। अब इसका हार्डवेयर आना है, जैसे ही हार्डवेयर आ जाएगा तो UFS को सपोर्ट करने लगेगा और जैसे सपोर्ट करेगा तो यहाँ पे भी आप ISP और eSocket के थ्रू इसको कनेक्टिविटी कर सकते हैं फ्रेंड। तो इसका बहुत जल्द आ जाएगा और जैसे ही आएगा मैं यहाँ पे आपको सारा बता दूंगा। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे क्या यूज़ है इसका, सब कुछ यूज़ बताया जाएगा विद प्रैक्टिकल में बताऊंगा। तो वीडियो में आप बने रहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मैं हाईलाइट कर देता हूँ फटाक से। इन्होंने UEFI इंटरफेस में थोड़े से बदलाव किए हैं, UEFI के MMC टूल में इन्होंने बदलाव किए हुए हैं। इसमें आपका RPMB की साइज़ RPMB शो होने लगा है कि RPM हार्डवेयर आईडी है कि नहीं। दूसरी चीज़, इन्होंने UEFI का UFS टूल बॉक्स लॉन्च कर दिया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Promise that you're